वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सभी आदरणीय धर्माचार्य संत महात्मा महामंडलेश्वर जगत गुरु जितने भी मेरे लिए आदरणीय हैं कथाकार इत्यादि, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके चरण चरणों में, चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। 16 तारीख को, 16 नवंबर को जो सनातन धर्म संसद होने जा रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य है आने वाली पीढ़ी को संकट से बचाना। और जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में हमारे सभी सनातनियों को प्रसाद में जो पशुओं की चर्बी खिलाई गई है, उसका विरोध करना, कृष्ण भूमि के निर्माण को लेकर आगे बढ़ना, सनातन बोर्ड का निर्माण करना। हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें खो चुके हैं। अभी भी अगर हम मौन रहे तो जिस तरीके से प्लानिंग वक्फ बोर्ड के नाम पर हमें हमारे देश में चल रही है, मंदिर हो, पार्लियामेंट हो, एयरपोर्ट हो, सब की व्यवस्थाएं जो आप हम समझ रहे हैं सब छीन ले जाएंगे, हमारे मंदिर देवालय सब हमसे छीन ले जाएंगे। इसका विरोध करना बहुत जरूरी है और तगड़ा विरोध करना बहुत जरूरी है। तो 16 नवंबर को हमने प्रयास किया, हमारे समिति ने प्रयास किया कि सभी धर्माचार्यों तक पहुंचा जाए। फिर भी कई ऐसी जगह रह गई जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो हाथ जोड़ के हम क्षमा चाहते हैं। आप अपना बालक समझ के हमको क्षमा करें। समय निकाल कर सभी जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, आप लोग सभी जो सनातन को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सभी एकजुट होकर बड़ी से बड़ी संख्या में सुबह 10-11 बजे तक दिल्ली सब पहुंचे। जितने भी सनातन के लिए काम कर रहे हैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। एक भी बच्चा अगर इस वीडियो को सुन रहा है तो सबको शेयर करो, इतना शेयर करो कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और वो उनको पता चले और वो सभी लोग अपने द्वारा सनातन जितने भी हिंदू संगठन हैं और भी मंच हैं उन सभी से प्रार्थना है 16 तारीख को आप लोग 16 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। सादरा पुस्ता 4-5 यही वहां का एड्रेस है और एड्रेस पट्टी पे भी दिखा रहे होंगे, वो दिखा देंगे। आप सब से मेरा निवेदन है अगर मुझसे अपराध हुआ उसे क्षमा करके आप अपना बड़कपन दिखाकर वहां पहुंचे और बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर सभी संगठन वहां पहुंचकर सभी को निमंत्रण है, सभी निमंत्रण क्यों, ये आयोजन ही आपका है। आप वहां पहुंचकर इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य बनाएं जिससे हम सभी सनातनियों को सनातन बोर्ड मिल सके, कृष्ण भूमि मिल सके और आने वाले बच्चों की सुरक्षा मिल सके। मैं प्रतीक्षा करूंगा 16 तारीख को आप सभी सनातनियों की। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।